Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. डर गई ना डर गई ना डर गई ना पगली रोक रोक जाओ जाओ क्यों मार रहे हो मुझे मेरे घर में घुस के? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तू जाएगा जेल। फिनिश योर खेल। देखा, मैंने कहा था ना, सच कहा था ना कि ढेचू ढिलन अपनी बीवी का खून करेगा, मैं शरीफ हूँ। अरे अरे, इन्हें छोड़ दीजिए, मत मारिए इन्हें। ये कोई मेरा खून करने नहीं वाले थे, ये तो मुझे मेरे बर्थडे का सरप्राइज दे रहे थे। मेरा हस्बैंड वंडरफुल। ये कोई गन नहीं है, ये गन नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हूँ। वेल पापी जी, जन्मदिन की शुभकामना इज़दा, मेरी ये गर्लफ्रेंड है भावना इज़दा। पापी जी चल हट। सॉरी, तुमको लगी तो नहीं? सॉरी, ओ क्या है कि हमें जरा कुछ गलत फहमी हो गई थी। कोई नहीं, होता है। तुम लोग सेलिब्रेट करो अपना बर्थडे प्लीज। हाँ, आराम से सेलिब्रेट करो। हाँ, हम चलते हैं। ओके ओके। मैं शरीफ हूँ। शराफ़ती। चलिए। किसने कहा था सरप्राइज दो? बर्थडे टू यू। मिस चौटाला, हमें इस केस को बहुत सीरियसली लेना होगा, और अगर कहीं ये वारदात हो गई तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। राइट सर। सर, लेकिन हमने तीनों ढेंचू ढिलनों को आजमा कर देख लिया है, तीनों मासूम है सर, बेगुनाह है सर। तो आपका कहने का मतलब है कि कोई भी ढेंचू ढिल्लो अपनी पत्नी का कत्ल नहीं करेगा? सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है सर। लेकिन मिस चौटाला, हमने तीनों ढेंचू ढिलन को आजमा के तो देख लिया है ना सर। हमारे हिसाब से केस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब कोई ढेंचू ढिलन बचा ही नहीं है। अरे हाँ सर, मतलब सर, उस आदमी ने भी सर टेलीफोन डायरेक्टरी को चाट के पत्ते की तरह चाट लिया सर। मतलब ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन उस पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी में बस तीन ही ढेंचू ढिलन मिले, तो अब उनको तो आजमा लिया। मुझे नहीं लगता कोई होने वाला है कारनामा इज़दा। कल मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड के बच्चे ने मुझे बोल दिया था मामा इज़दा। ऐसी बातें नहीं करते हैं, हमारी भी कितनी महिला मित्र हैं, इतनी महिला मित्र हैं जिनके बच्चे हमें मामा मामा कहते हैं। और केस में ध्यान दो वरना सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी। मैं क्या कह रही हूँ सर, देखिए ऐसा है कि वो फोन करने वाले ने और हमने भी सिर्फ टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर ही तीन ढेंचू ढिल्लन छान मारे। हो सकता है कि कोई चौथा ढेंचू ढिल्लन हो है शहर में जिसके पास फोन ही ना हो। करेक्ट। अगर उसके पास लैंडलाइन नहीं है तो टेलीफोन डायरेक्टरी में उसका नाम तो आएगा ही नहीं। क्या बात है मैडम, मतलब पॉइंट है क्या? पॉइंटेड पॉइंट है आपकी बात में? नहीं सर, मतलब हो सकता है। यानी कि अब हमें ये ढूंढना है कि ये चौथा ढेंचू ढिलन है या नहीं। Well, बात है बिल्कुल सही इज़दा। आई लाइक दूध मक्खन और दही इज़दा। अबे ओ अल्ताफ राजा की तरह काफी है, गाना बंद कर केस में ध्यान दे ले थोड़ा। Well, इसी बात पे एक बात है, मुझे सूझी इज़दा, हम क्यों ना निकलवाएं मतदाता सूची इज़दा। Yes! 80 साल के कार्यकाल में अपने इसने फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक लास्ट टाइम समझदारी की बात करी। पापू, पापू। मतदाता सूची ही निकालनी चाहिए। तो ठीक है सर, इस काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और इस शहर में अगर कोई चौथा ढेंचू ढिलन है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। गुड, वेरी गुड। हमें आपसे यही उम्मीद थी बजरंग पांडे, आप जल्दी से उस ढेंचू ढिलों को ढूंढिए और इस केस को खत्म करिए।
राइट सर। सर ठीक मामा। मामा मम्मी ने कहा है कि क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा ना तो आप किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दीजिए। मम्मी का नाम क्या है? शीला लालवानी। ओके हो जाएगा। Yeah! Yes! My mama is the best! Yes! पुरानी महिला मित्र। चले चाय लेके आ चल। ओके सर। स्वीट किड, अच्छा प्यारा बच्चा है। थैंक यू। शक्ल भी थोड़ी। चल समोसे लेके आ चल चल। यार गुलगुले, क्या लगता है मतदाता सूची में वो ढैचू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि नहीं मिला तो फिर मामला उलझ सकता है। क्या सर, आप भी कमाल करते हैं सर। यहाँ मामला सुलझने का टाइम आ गया और आप उलझने की बात कर रहे हैं। अरे वेल, अभी आता होगा मतगणना अधिकारी इज द, मैं हूँ इश्क का शिकारी इज द। आइए आइए। अरे आ गया आ गया आ गया। हेलो नमस्कार, मतदाता विभाग में आपका स्वागत है। कद्दू झील के भैया दो बात आपसे करनी है। पहले तो हमें कद्दू नहीं छीलना। दूसरी बात यह है कि यह आपका मतगणना विभाग नहीं है, यह पुलिस चौकी है। ओके हमें पता है कद्दू छील के। दरअसल बात यह है कि हम मतगणना विभाग के ऑफिसर है आलोक बाबू, कद्दू छील के। हाँ तो आलोक बाबू, ये हमें पता है, लेकिन हमने आपसे कुछ पता करने के लिए कहा था, वो पता किया आपने? हाँ हमने पता किया सर, सर। और पता लगा लिया कि इस शहर में ढेचू ढिल्लन है कद्दू छील के। Well, तो जल्दी बताइए ना, मत कीजिए देर इस दा, वरना मैं सुना दूंगा इश्कबाजी का शेर इस दा। हमने पूरे शहर की मतदाता सूची को देखा और पाया कि इस शहर में एक नहीं चार ढेचू ढिल्लन है कद्दू छील के। चार सर। मतलब हमारा शक सही निकला सर, इस शहर में तीन नहीं बल्कि चार ढेचू ढिल्लन हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये रहे उन चार लोगों के पते कद्दू छील के। गुड, वेरी गुड। भाई साहब अब जा सकते हैं। चलो कद्दू छील के। निकल सर। चार, ये अगर अधिकारी नहीं होता ना तो हम उसको पता नहीं क्या करते हैं। है पेशेंट। गुलगुले, हमारे पास तीन ढेंचू के पते, राइट? तो उस तीन ढेंचू के पते ये चार ढेंचू के पते से मिलाकर देखो और देखो चौथा कौन है। करेक्ट सर, करेक्ट। अभी चेक करता हूँ सर। मिल गया सर, तीन एड्रेस तो मैच हो गए हैं सर। अब ये रहा वो चौथा एड्रेस, वो चौथा ढेंचू ढिल्लन, 720/24 टिमरकन टोला। परफेक्ट, मतलब ये ही वो ढेंचू है जो अपनी बीवी की हत्या करना चाहता है। हमें इसे पकड़ना होगा। करेक्ट सर। सर सर मेरे दिमाग में मैडम का एक बहुत ही घंटू घंटीला पंटू पंटीला एड़िया आ रहा है। अभी तो कब देगा बे? जब मिस चौटाला तुझे मंदिर की घंटी से लटका के दो चार देगी तब देगा। अरे सर सुनिए ना सर, आइडिया ये है कि गोपी को सर हम वहां पर भेज बदल के भेजते हैं सर। गोपी कुरियर वाला बन के जाएगा और वहां जाके देखेगा कि ये ढेचू ढिल्लन है कौन। वेल गुलगुले, अब गोपी दिखाएगा अपना कमाल इज द, आई वॉन्ट टू गो टू नेपाल इज द। दूर रहे हमसे, दूर रहे, वरना सच कहते दे देंगे तेरे को आज। कैरी ऑन। एड्रेस तो यही है।
वेल, बजाता हूँ डोर बेल इसका, चौथा ढेंचू मिल गया तो खत्म हो जाएगा ये खेल इसका। वेल, खोल नहीं रहा है डोर इसका, करना पड़ेगा गोर इसका। जी ढेंचू ढिलन के नाम कोरियर है। जी मैं ही हूँ ढेंचू ढिलन। जी तू ही है वो ढेंचू ढिलन जो इतने दिनों से हमें गुमराह कर रहा है। बेटा तेरा मार मार के ना हम बहुत बुरा हाल करने वाले, कह रहे तुमसे। मैडम देखा जाए तो गलती हमारी भी है मैडम, मतलब हमने इसे पूछा ही नहीं कि इसका नाम क्या है, हमने नाम पूछा नहीं, इसने बताया नहीं। Well, ये निकलेगा ढेंचू ढिलन, हमने नहीं था सोचा इसका, इसका ही है ये सारा लोचा इसका। हाय हाय, पहले तो हमें गुमराह करने के लिए इसने झूठी कहानी सुनाई कि ढेंचू ढिलन अपनी बीवी का खून करने वाला है, और उसके बाद उन तीन ढेंचू ढिलनों को फोन किया और उनकी बीवियों को डराया भड़काया कि उनका पति उन्हें मार देगा। और जहाँ जहाँ ढेंचू ढिलन की बीवियों पर हमला हुआ या हो सकता था, ये आदमी वहां मौजूद था। कहने के लगा हाँ, क्या लगा कि हम बस टेलीफोन डायरेक्टरी में ढेंचू ढिलन ढूंढते रहेंगे। मतदाता सूची में थारा नाम और पता सब निकाल लिया हमने। यस। ये बोल, तू ये ना अपनी बीवी को मारना चाहता है ना तू? अरे नहीं मैडम नहीं, अरे खून करने के लिए पत्नी भी तो होनी चाहिए ना, मैं शरीफ हूँ, मैं कुंवारा हूँ। तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है? नहीं ना, अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन मैंने मैंने अपने कानों से सुना था कि वो ढेंचू ढिलन जो है ना, वो अपनी बीवी का खून करने वाला है। ढेंचू ढिलन की बीवी को मरना होगा, वो भी इसी हफ्ते, और मेरी बीवी ये सोच भी नहीं सकती कि उसका पति यानी कि मैं ढेंचू ढिलन उसको ऊपर पहुंचाने वाला हूँ। अब मैं तो कुआ रहा हूँ, इसलिए वो ढेंचू ढिलन मैं तो हो ही नहीं सकता। वाव 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 वाव। तो प्लीज, मैं तो शरीफ हूँ मैडम। अब मैं तो कुआ रहा हूँ, इसलिए वो ढेंचू ढिलन मैं तो हो ही नहीं सकता। वाव 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 वाव। तो प्लीज, मैं तो शरीफ हूँ मैडम। यार यार, फिर तू ये बता कि तू इतनी ढेंचू ढिलनों की बीवियों की जान बचाने के लिए इतना क्यों तत्पर है तू? मैडम मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ, एक्चुअली बात यह है मैडम कि मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूँ, और मेरा नाम ढेंचू ढिलन है। बाद में मैंने ये सुना कि ये ढेंचू ढिलन अपनी बीवी का खून करने वाला है, मतलब कि ये नाम जो है ढेंचू ढिलन, वो तो अखबार न्यूज़ और कहीं कहीं बहुत फेमस हो जाएगा, फिर तो मुझे कोई लड़की नहीं देगा, इसलिए मैं उनकी वाइफ को बचाना चाहता था बस, बाकी मैं तो शरीफ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए तू इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैं तो शरीफ हूँ ना। लेकिन बाकी जो तीन ढेंचू ढिलन है उनको तो हमने चेक कर लिया ना, आजमा के देख लिया, वो तो अपनी बीवी का खून करने नहीं वाले। यो केस बंद, कोई ढेंचू ढिलन अपनी बीवी को ना मारने वाला है। केस बंद, फाइल बंद, जाओ अपने घर सब। केस शट। कार गोप्स या जलेबी या छोले भटूरे या आएगा? ज्यादा लाड़ में मत आ चंद। खून तो होगा, ढेंचू ढिलन ही करेगा, लेकिन कब किसी को नहीं पता। आओ माँ, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। हाँ हाँ, मुझे भी स्लिमिंग सेंटर जाना है। जब दोनों माँ बेटी कहीं ना कहीं जाने के लिए निकली हो घर से, तो रास्ता भटक के यहाँ चौकी में क्यों आ गई? गुइयां बनाने? अरे गुइयां, अरे मैडम गुइयां से याद आया, मैडम मेरी साली जो है ना, क्या गुइयां बनाती है। गुइयां जिसे वो अरबी भी कहते हैं, अरे वो गुइयां की टिकियां बनाती है मैडम।
मतलब वो मतलब पहले उसे उबालती है गुइया को और उसके बाद उसे छीलती है और छीलने के बाद मैडम उसकी जो टिक्कियां बनती है मतलब कमाल की, वैसे तवे पे रख के जरा सा तेल डाल के मतलब मसाला डाल के उसे अच्छी तरह सेकती है और क्या टेस्टी आइटम बनता है। Well, what is the problem is the Delhi mein airport problem is the मैडम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। देखो यार जो भी बात है जरा खुल के मैडम के सामने बोल डालो, बन जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का मूंग दाल हलवा बन गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की वायलेंट विद्या, मेरा मतलब है मैड माधुरी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है अपने पति पर, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। Well, वो ब्यूटी पार्लर जाने के लिए नहीं दे रहा तुम्हें पैसे इज़्ज़ा, पति भी होते हैं कैसे कैसे इज़्ज़ा। तू दे दे। है जी? तू दे दे पैसे, तू इसकी वैक्सिंग आंटी बन जा पेटीकोट पहन के। कैरी ऑन। मैडम मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास एक आदमी का फोन आया था और उसने मुझे कहा था कि मेरी जान खतरे में और मेरा पति मुझे मारने वाला है, मुझे मेरे पति पर शक भी हो गया था। आपको याद होगा कि मेरे पति जब आपके पास आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? 16 तारीख को मैं अपनी बीवी सपना की माँ यानी अपनी सास को देखने गया था। कि 16 तारीख की शाम को वो मेरी मम्मी के पास थे, याद है? मन्ने याद है। लेकिन 16 तारीख की शाम को मेरे मम्मी के पास नहीं थे। ओ, तो फिर कहाँ थे? आरती अड़ोसन के पास या प्रेमा पड़ोसन के पास? वो थे भी और नहीं भी थे। अबे मेंढकी की आवाज में बोली जा रही तब से जो है, रो रो के भी भी, थे भी नहीं भी कंफ्यूजन। अबे खुल के बोल ले। मैं बोलू स्लिम सेंटर जाना है, बोलो ना कुछ। अरे हाँ हाँ बोलती हूँ ना, मुझे स्लिमिंग सेंटर जाना है। पता है मैडम, बात यह है कि 16 तारीख की शाम को है ना मेरा दामाद मेरे पास आया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। लेकिन हाँ मैडम, वो 3 घंटे के लिए कहीं बाहर भी चले गए थे और मुझे बिना बताए मुझे स्विमिंग सेंटर जाना है। और मैडम मेरे मायके से इस शहर में आने के लिए 1 घंटा लगता है। तो मैडम ये वही ढेंचू ढिल्लन है जो कह रहा था कि मैं ढेंचू ढिल्लन अपनी बीवी को मारना चाहता हूँ, जिसके बारे में हमें वो ढेंचू ढिल्लन नंबर 4 ने बताया था। वैसे थारे पति ने हमसे यो बात छुपाई है कि 3 घंटे के लिए वो थारी माँ के घर से गायब था, इसका मतलब दाल में कुछ काला। और मैडम एक बात बताओ, आज शाम को वो मुझे बोटिंग पे ले जाना चाहते हैं। तुम क्या चाहती हो वो ले जाए तुम्हें हवाई जहाज की कराने सैर इस दा, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से पैर इस दा। हाय हाय। अरे दादाजी अगर वो मुझे बोटिंग पे ले गए और मुझे पानी में धक्का दे दिया तो? तू बोटिंग पे जा। मैडम आप बिना एक नंबर बोली हैं। मैडम वो कह रही है कि उसका पति उसे मार सकता है, धक्का दे देगा पानी में तो, और आप कह रही है बोटिंग पे जा। गुनहगार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पहले उसे गुनाह करने का मौका देना चाहिए। अरे लेकिन मैडम इसमें मेरी बेटी डूब गई तो मुझे स्लिमिंग सेंटर जाना है। तुम्हारी बेटी ना डूबेगी, वहाँ हमारी पूरी टीम होगी, खूब तैराकी है, बचपन में खूब जो इन्होंने जो है जंप लगाई है पॉन्ड्स में, और वहाँ कई सारे लाइफ गार्ड होंगे पुलिस के तैनात, समझिए आप। ढेंचू ढिल्लन मारे हाथ से ना बच पाएगा।